आखिर फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है एप्पल जूस? क्या आप जानते हैं एप्पल जूस को बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे इस एप्पल जूस को पेड़ों से दुकानों तक पहुंचाया जाता है और इसे बनाने के लिए इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में क्या क्या करना पड़ता है? आइए अब जानते हैं कि आज के वक्त में फैक्ट्रीज में इसे कैसे बनाया जाता है। एप्पल जूस का टेस्ट मार्केट में मिलने वाले सभी तरह के ड्रिंक्स से काफी अलग है। सबसे पहले हाई क्वालिटी के मैकिंटोश एप्पल्स को बड़े बड़े ट्रक से लादकर इन फैक्ट्रीज में अनलोड किया जाता है। ये एप्पल्स कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए इंस्पेक्शन सेक्शन तक पहुंचते हैं। यहाँ पर इन्हें एक उल्टी दिशा में चलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर गिराया जाता है, जिससे गुजरने के बाद इन पर लगे पत्ते, धूल, मिट्टी अलग हो जाती है और सेब आगे बढ़ जाते हैं। इन सेबों को फिर कुछ घंटे के लिए स्टोर करके रख लिया जाता है। इन एप्पल को जूस बनाने के लिए सबसे पहले इन्हें पानी से अच्छी तरह धोया जाता है। इसमें लगातार एक कन्वेयर बेल्ट से एप्पल्स को पानी से गुजारा जाता है, ताकि इसमें अगर गलती से जो कंकड़ पत्थर रह गए हैं उन्हें अलग किया जा सके। यहाँ से निकलने के बाद ठंडे पानी से फिर से इन्हें एक बार धोया जाता है। इन सभी एप्पल्स को एक ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, जो अच्छी तरह से एक ग्रेटेड एप्पल्स में बदल देता है। इन ग्रेटेड एप्पल्स में अलग से कुछ केमिकल एंजाइम्स भी ऐड किए जाते हैं। ये एंजाइम्स इन ग्रेटेड एप्पल्स को सेल्यूलर लेवल पर तोड़ देते हैं, जिसके बाद इनसे जूस निकालने में ज्यादा मदद मिलती है। इसके बाद इन ग्रेटेड एप्पल्स को मैक्रेंशन रिजर्वर्स में भेज दिया जाता है, जहां इन्हें 60 से 90 मिनट तक रहना होता है। यहां से बाहर आने के बाद उन्हें एक हाइड्रोलिक प्रेस में भेज दिया जाता है, जहां फाइनली इनसे जूस निकाला जाता है। इस हाइड्रोलिक प्रेस में कुछ इस तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं कि एक तरफ से जूस निकलता है और इसका बाकी का वेस्ट, जैसे बीज और टहनियां, सब मशीन के दूसरे तरफ से बाहर आ जाती है। यहाँ पर इस जूस का कुछ सैंपल क्वालिटी के लिए टेस्ट किया जाता है और जैसे ही यहाँ से इसे क्लीन चिट मिल जाती है, इसे आगे भेज दिया जाता है। अगले स्टेप में उस जूस को पहली बार फिल्टर किया जाता है और इसमें से बच गए सॉलिड पार्टिकल्स को अलग कर लिया जाता है। यहाँ से फिल्टर होने के बाद इस जूस को पेस्टुराइजेशन के लिए आगे भेज दिया जाता है, जहाँ इस जूस को 22 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से 88 डिग्री सेल्सियस तक ले जाया जाता है और फिर ठंडा करके वापस 50 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। इस जूस में मौजूद सभी इम्प्योरिटी मिट जाती है, साथ ही जूस को अब ज्यादा वक्त तक स्टोर भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हुए इसे दूसरे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए तैयार किया जाता है। दूसरे फिल्ट्रेशन से पहले इसमें कुछ एंजाइम्स और डाले जाते हैं। इन एंजाइम्स को डालने से जूस थोड़ा और ज्यादा पतला हो जाता है और फिल्टर में अच्छी तरह फ्लो कर पाता है। दूसरे फिल्टर में कुछ मेम्ब्रेन्स से इस जूस को गुजारा जाता है। इन मेम्ब्रेन्स में माइक्रोस्कोपिक लेवल्स पर पोर्स होते हैं, जिनसे गुजरने के बाद जूस अच्छी तरह समान मात्रा में फिल्टर हो जाता है। अब हमारा एप्पल जूस लगभग तैयार है। यहाँ से निकलकर इस जूस को फ्लेवर, कलर, क्लैरिटी और नेचुरल फ्रूट्स शुगर कंटेंट के लिए चेक किया जाता है। एप्पल जूस ज्यादातर अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है, क्योंकि उसी वक्त आपको सेब देखने को मिलता है। इसलिए जरूरी है कि साल भर सप्लाई जारी रखने के लिए जूस कहीं स्टोर करके रख दिया जाए। बड़े बड़े कंटेनर में इस जूस को स्टोर करके रख दिया जाता है। हर एक कंटेनर में 1000 से 1100 लीटर तक का जूस स्टोर किया जा सकता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम पैकेजिंग सेक्शन तक पहुँचते हैं, जहाँ पर मशीनों की मदद से हर 10 टेट्रा पैक एप्पल जूस से भरे जाते हैं। इसके बाद इन्हें सील कर दिया जाता है। इन सील पैकेजेस पर एक मशीन हॉट ग्लू स्प्रे कर देती है और फिर इन पर स्ट्रॉस को अटैच किया जाता है। दूसरी तरफ इस एप्पल जूस को बॉटल्स में पैक करने की तैयारी की जाती है। यहाँ पर पहले बॉटल्स को अच्छी तरह धोया जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड की हेल्प से इन्हें डिसइंफेक्ट किया जाता है। डिसइंफेक्शन के बाद स्टर्लिन पानी से इन्हें धोया जाता है और फिर आगे एप्पल जूस से भर दिया जाता है। ऑटोमेटिक मशीन इन्हें आगे ले जाकर कैप से बंद कर देती है, साथ ही इन पर कंपनी का लोगो भी लगा दिया जाता है। अब ये एप्पल जूस आपके पीने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको एप्पल जूस कैसा लगता है, हमें कमेंट करके जरूर लिखिएगा।